रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी मालगाड़ी अगले साल मार्च में ट्रायल रन। ईरान अजरबैजान से होकर गुजरेगी। सऊदी ने लोन चुकाने की डेडलाइन बढ़ाई। सीरिया में दो बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे लड़ाके सेना ने रोकने के लिए हाईवे को बम से उड़ाया। नेपाल आधिकारिक तौर पर चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल। इसके जरिए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा चीन। पीएम ओली ने गेम चेंजर बताया। अस लक्ष्मी महोत्सव में बोले पीएम मोदी, 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। कहा पूर्वोत्तर का सामर्थ्य देखेगी दुनिया। किसानों ने दिल्ली मार्च टाला। एक दिन का अल्टीमेटम दिया। दोपहर में बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे आत्महत्या।